जेड़ी गल करनी छेती करो। तो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया कैजुअल वे में। अच्छा चल अपनी हॉबीज बता दे। हॉबीज सर वेला हूँ। लेकिन तेनु देख दे ही समझ गया सीगा कि बंदा तू करेक्ट है। अच्छा किस लिए? किसी काम के लिए। सर आप मतलब क्या चाहते हो मुझसे यार, क्या चाहते हो बताओ। अच्छा अच्छा सेक्स के बारे में क्या ख्याल है? जितना मिले कम है। मैं तो जब पहले देखते ही समझ गया सी। अच्छा आगे बोलो। ना ना इसके अलावा और की करता है सेक्स के अलावा? सर मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, आपको इसे प्रॉब्लम क्या? गाड़ी रोको साइड पे, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। यार छोटी छोटी बात के ऊपर गड्डी रोको गड्डी रोको। एनी वे आई एम डॉक्टर बलदेव चड्डा MD इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हद तो मिला ले यार है। छोटा सा क्लिनिक है इनफर्टिलिटी का दरियागंज में, मैरिड कपल जिन्हें बच्चा नहीं हो पाता उनके ट्रीटमेंट के लिए। साइड में एक बैंक चलाता हूँ, उसी के लिए एक डोनर स्पेशल डोनर ढूंढ रहा हूँ, स्पर्म डोनर। क्यों है? व्हाट सो फनी? सर ये भी कोई डोनेट करने की चीज है। बट व्हाट सो फनी अबाउट इट? रोक दो। हंस क्यों रहा है? ठंड में ड्रॉप करने के लिए थैंक यू सर। ओह यार व्हाट सो फनी अबाउट इट? और सोच ले आई विल पे यू वेल। रहने दो जी बस। थैंक यू। Yeah, just give me like one. All right? Excuse me? Ma'am, I want to open an account. Eh, hai ge ji, paise. Aap bank pehli baar aaye hain? Yes. Okay. Aise account nahi khulta sir. Pehle form fill kar dijiye aur ek token le aaiye from that counter. Wo hai na piche? जैसे आपका नंबर आएगा यू कैन कम बैक। मैम वहाँ तो खाली है, वहाँ तो लाइन में कोई है ही नहीं। सर कुछ रूल्स होते हैं बैंक के, प्लीज। अजीब से रूल है आपके वैसे। सर आपके पैसे। ओ शिट यार, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आशिमा लंच। कम ऑन लेट्स गो। मैम आप तो हाफ डे ही जा रहे हो, टोकन में ले आओ, मिलके फॉर्म भी भर लेते बैठ के आराम से। इट्स लंच आवर सर, आई हैव टू गो। तब तक आप नीचे वहाँ साइन कर दीजिए, आप 3 पासपोर्ट फोटोज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड समवन टू इंट्रोड्यूस यू। कोई और क्यों जी, मैं अपनी इंट्रो खुद दे देता हूँ। मायसेल्फ विक्की अरोड़ा एंड यू आर आशिमा रॉय। ओए तुसी बोंग हो? यस आई एम नॉट अ पंजाबी। किसी ऐसे को साथ लेकर आए जिसका अकाउंट ऑलरेडी हमारे बैंक में हो, वो आपकी पहचान करा देगा। ओके चले। आशिमा यू नो इज वरुण्स फ्रेंड। व्हाट? मैंने सोचा डॉक्टर है, डिसेंट बंदा होगा। आई गॉट बड़ा डर्टी माइंड, आपके लीचर टाइप। वेरी ऑकवर्ड यार, इसमें डर्टी क्यों है? यंगस्टर्स ऐसे नॉनवेज टाइप काम कराना, धंधा कराना होगा और क्या। और तैनू पता तू की कह रहा है? मेरी रिस्पेक्ट है, मेरे पेशेंट मैंने पूछते ने किन्नी रिस्पेक्ट करते ने, तैनू पता है? मेरे को फर्क नहीं पैंदा, रिस्पेक्ट घर पे करें अपनी। यार आई हेट किड्स। बट व्हाई? कभी स्मेल करके देखा कितनी बदबू आती है, सुसू की पॉटी की, और बात करके जो उल्टी करते हैं वो मुझे नहीं करने बच्चे। पर तेरे से बच्चा करने को क्या कौन रहा है यार? जो स्पर्म मेरा होगा तो बच्चे किसके होंगे? वही तो, सिर्फ स्पर्म तेरा होगा। क्या कर रहे हो, पहचान वालों की दुकान है, मरवाओगे आप यार? ओके सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। किन चक्रों में फंसा रहे हो सर आप मुझे? मैं फंसा रहा हूँ? चक्रों में तो वो फंसे हुए हैं जिनके बच्चे नहीं होते। ये जो इनफर्टिलिटी है ये मॉडर्न लाइफ की कैंसर है। और नहीं सुननी मुझे सोसाइटी की फुद्दू बातें। माय डियर सोसाइटी की नहीं, इनसिक्योर और हाईली ओवर एम्बिशियस लोगों की प्रॉब्लम है। रूटीन दे एक सिटीज का, लेट तक ऑफिस में काम करना, उसके बाद ट्रैफिक में फंसते फुसाते हुए कार वापस लौटना, ड्रिंक लेना, लैपटॉप खोल के फिर बैठ जाना, और फाइनली वाइफ से कहना डार्लिंग आई एम टू टायर्ड, हो गई मैरिड लाइफ हेल, बंदा बच्चा ही नहीं काम करने लायक। दूसरी तरफ हमारे विलेजेस हैं, टच पर कर लो बच्चा बाहर। इस प्रॉब्लम की जड़ में की है तेन पता है? पुछ की है? की है स्ट्रेस। की हैगा स्ट्रेस? स्ट्रेस जिन्ना हाई होता है स्पर्म काउंट उन्ना ही लो हो जाता है। तू ते विलेज सेम टू सेम कॉपी डिटो, लकी हैप्पी ते स्ट्रेस फ्री हाईली फर्टाइल उपजाऊ। हेल्प कर दे प्लीज यार। औकात पे आ गए ना आप। सर मैंने नहीं करनी सर सोशल सर्विस। ओके चलो मैं मान जाता हूँ आपकी बात। क्या गारंटी है सर कि बच्चा हो जाएगा बताओ? हाँ नहीं कोई गारंटी नहीं, नो गारंटी। लेकिन इस बात का पता चल जाएगा कि तू बच्चा पैदा करने लायक है कि नहीं है। गाड़ी रोको जी। मैं कहना गाड़ी रोको। यार एक मिनट यार, क्यों होया?
गाड़ी साइड पे लगाओ। अरे पक्की हो यार कि मैं तो दस्ते सही। हेलो ओए 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 क्या कैसे दिया आपने, कैसे कह दिया आपने? मैं उस लायक नहीं हूँ क्या? मेरा बच्चा नहीं हो सकता मेरा? मिसअंडरस्टैंड मत कर। मिसअंडरस्टैंडिंग दी पैन दी शिकी। फोन करके देखना आगे से मुझे। ओके थे आप होते कौन है मेरे बारे में फुदू बातें करने वाले? मिसअंडरस्टैंड मत कर। मिसअंडरस्टैंड सॉरी यार, बता रहा हूं आपको, लाइन लगा सकता हूं बच्चों की मैं। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया। एक लिंक है जी, मेरे कजन का ना जो ब्रदर इन लॉ है वो है जी आरबीआई में। सॉरी सर, नॉट पॉसिबल। मुझे लग रहा है अब तो मिनिस्ट्री में कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा। तब भी नहीं सर। यार कोई तो जुगाड़ लगाओ आशिमा जी, मुझे कोई ऐसा बंदा जानता ही नहीं जिसका आपके बैंक में अकाउंट हो। अकाउंट नहीं खुल सकता क्या उसका? सर मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आई डोंट हैव द अथॉरिटी। आप ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं। हाँ मैंने बात की थी मैंने, पर वैसे आशिमा आपका अकाउंट तो इसी बैंक में है ना? ऑब्वियसली। तो आप और मैं फ्रेंडशिप कर लेते, एनओसी दे दो, मेरा काम सेट हो जाएगा। सर मैं आपको जानती नहीं हूँ। कॉफी लेंगे आप? निकालता हूँ कुछ जुगाड़ में। ओके सी यू। हेलो जी, किद्दा? हाय। लुकिंग स्वीट, डिफरेंट, क्यूट सी लग रही है। थैंक यू। तो सिंगल हो तुम? कैसे पता? नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आके पीछे कुत्तों की तरह दुमिराता हो, भौ भौ करता हो, घूम रहा होता, पैरा दे रहा होता। एक्सक्यूज मी, आई एम एन इंडिपेंडेंट वर्किंग गर्ल। और लड़कियों की तरह नहीं हूँ मैं। देयरफॉर डोंट इवन ट्राई। क्यों भाई, वर्किंग लड़कियों के अफेयर नहीं होते क्या? होते होंगे, पर डेफिनेटली उन्हें उनके पीछे कोई दुमिराता बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, एटलीस्ट मुझे तो नहीं। मैडम ये तो ना देखो, डिपेंड करता है, अगर मेरे जैसा शरीफ सीधा साधा कुत्ता मतलब बॉयफ्रेंड अगर फंसाओगे तो आगे पीछे तो घूमेगा ना। मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? What crap? तुम आए थे मुझसे यहाँ बात करने के लिए, don't forget। देखो जी माल को ऐसे अकेले अकेले तैयार शार होके खड़े होना, यही तो फंसाने की स्टार्टिंग्स होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं। पता नहीं था ना मुझे कि आज तुमसे मिलने वाली हूँ। पता होता तो कम तैयार होके आती। आती ही नहीं। वैसे मत खेलो, हमारे बीच ना 100% कोई ना कोई सही सा कनेक्शन जरूर है। हर बार टकराते, मार्केट में मिले, रोड पे मिल गए, उसके बाद वो संगीत पे, कमाल ही होगी यार। जान निकाल दो कंप्यूटर की। अरे इतने के बिजी हो, एक मिनट रिप्लाई करने का टाइम नहीं है आपके पास? अरे बंदा सामने बैठ के बकवास कर रहा है, इंसल्ट कर दिया आज आपने मेरी। हाँ यार कुछ तो बोलो। सर ड्राइंग रूम नहीं है ना मेरा, देयर आई शुड एंटरटेन यू, इट्स अ बैंक। आप एड्रेस दे दो अपना, ड्राइंग रूम बेडरूम जहाँ मर्जी बैठ के गप्पे मारेंगे। मैं भी ना वैसे यहाँ पे बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। सॉरी। मैं कह रही थी तैनू चुपचाप बैठ जा, तोड़ दिया ना खींच के चपेट मारूंगा, अक्कल ठिकाने आ जानी है। पाजी पाजी पाजी, आपका बच्चा है? हाँ जी भाई साहब मेरा ही है। नहीं सोच लो, शोर हो जाओ, अभी का बच्चा है। हाँ मेरा ही बच्चा है। अपने बच्चे को कोई बैंक लेके आता आउटिंग पे? दुनिया की सबसे बोरिंग जगह है ये। पुत्र तू खेल। So how does it feel? First time twins conceive किए? मेरी फटी पड़ी है सर, फटी पड़ी है मेरी सर। मतलब क्यों घर पे डब्बा क्यों भिजवाया लड्डुओं का आपने? शिट यार, बताना नहीं आगे से कि मैं स्पर्म डोनर हूं। आप लड्डू खिला रहे हो, लड़कियां थप्पड़ खिला रही हैं। ऐसा है कि लेडीज का दिमाग अलग ही होता है, जेंट्स को समझे ऐसी लेडी भगवान ने बनाई कि थे। बट तू दिल छोटा ना करी, लोड पड़ेगा।
तेन कुड़ियों दे नाल ना ते टाइम वेस्ट करी ना स्पर्म वेस्ट करी। बाय गॉड कमाल दा स्पर्म काउंट है तेरा, फर्स्ट टाइम इन माय करियर। एक बारी होर हो जाए। नहीं सर, दुनिया बहुत कुत्ती है सर, मतलब सबको पता चल जाना कि घर पे बैठे बैठे बाप बन रहा हूँ सर मैं। आपके हाई फाई क्लाइंट्स उन्होंने अगर न्यूज स्प्रेड कर दी ना तो जुतियां मार के मम्मी ने घर से बाहर निकाल देना। क्लाइंट न्यूज स्प्रेड क्यों करेंगे भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। सर एक बात बताऊं, आपका मान रखने के लिए एक बार मैंने स्पर्म डोनेट कर दिया, अब आदत थोड़ी डालनी है। नहीं डाल डाल, आदत डाल। यारे। हाँ जी मम्मी। ओए टीवी खरीदा है तूने? केड़ा टीवी? हाँ ये एलसीडी ठेले पे लेके आए। एलसीडी? हाँ। वो बोलता क्यों नहीं, कहाँ से आए पैसे? हाँ मम्मा, हाँ अपना ही मम्मा रख लो, डिलीवरी है। हाँ भाई साहब चलिए आराम से अंदर लेके जाइए, चलिए। जीता रहे मेरा। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने मेरे बैंक अकाउंट को हाथ लगाया ना, मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ाइयो बस। हाँ। मम्मा आपको आके एक्सप्लेन करता हूँ, बात बात करता हूँ। टीवी LCD उड़ते शुरुआत है। ट्विंस होने की खुशी में बाटिया ने LCD भिजवा दिया है। अगे देख कैश और काइंड में क्या क्या आता है, ऐशी ऐश इस लाइन में तेरे जैसे स्पर्म की। LCD कितने का होगा? LCD 50-60 हज़ार का। बट सर आप समझ नहीं रहे हो सर, टेक्निकली आई हैव बिकम अ पापा। बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है सर। केड़ी फीलिंग माय डियर, जो मन करे सो कर, वधिया वधिया खाते वधिया वधिया पैन, लोड ना ले असर पड़ेगा स्पर्म पे। यार जब देखो स्पर्म स्पर्म, यार आपके दिमाग में और कुछ बात नहीं आती क्या? लिसन, हजारों लोग बायोडाटा भेजते हैं, इस लाइन को अपना करियर बनाना चाहते हैं, टैलेंटेड लोग तो चमड़ से पूछा। अगर ऐसी बात है तो मुझे सिलेक्ट क्यों किया, इतनी चॉइस आपके पास तो नहीं? नहीं आते आते आते, बैठा बैठा बैठा। 20 साल का एक्सपीरियंस कह ले या 6th सेंस, शकल देखकर बंदे का स्पर्म पहचान जाता हूं। फुद्दू बना रहे हो आप मुझे। अरे अपनी रिपोर्ट देखेगा, कमाल है, ऐसे DNA आर्यन रेस के देखे गए हैं। तू प्योर आर्यन रेस है, आर्य पुत्र है। आर्य पुत्र है। कंफ्यूज स्पर्म, ओवरसीज डिमांड आती है, ब्रैड पिट, शाहरुख, लेडी गागा, बैकम, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज के स्पर्म की डिमांड करते हैं क्लाइंट्स। अब तू ही बता कहां से लाऊं इनका सैंपल, लेकिन डिमांड है तो सप्लाई तो करना होगा। कैसे? तू है ना क्रिकेट, तू खेलता है, हो गया हमारा धोनी, हैंडसम तू है, बैकम हो गया, नाचदा है ते गांदा है, हो गई लेडी गागा, और नटंकी तो हम इंडियंस की जीन्स में है, हो गया शाहरुख। कंज्यूमर भी खुश, मैन्युफैक्चरर भी खुश। सर रेट बढ़ा दो मेरा। पैंदा टक्का ग्रीडी स्पर्म। हाय सॉरी आई गॉट लेट, टू मच ट्रैफिक। शुड वी ऑर्डर फॉर लंच? ऑब्वियसली, पर मुझे तो लगा तुम आओगी नहीं। अब उस रात तुमने मुझे घर ड्रॉप किया सेफली, ऑटो के पैसे भी नहीं लिए, तो एक लंच तो दैट्स ओके। अब ऑटो में मैंने कर भी क्या लेना था। एनीवे व्हाट यू वर्क? काम, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब फिलहाल, अभी ऐसे एक्सपोर्ट्स ट्रेडिंग सही चल रहा है। किस चीज का? हैंडीक्राफ्ट्स। रियली? या मेरे पापा भी कॉटेज एम्पोरियम में हैंडीक्राफ्ट्स का डिपार्टमेंट हेड करते हैं, आई मीन थे, ही इज रिटायर्ड नाउ। क्या हुआ, व्हाट्स सो फनी इन दैट? व्हाट हैपेंड? सो आर यू सिंगल? कंफर्म करके फेयर करेगी क्या? नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू, खाली पूछ रही हूँ मैं, आई हार्डली नो यू, मुझे कोई अफेयर नहीं करना है तुम्हारे साथ। तो फिर डेट पे क्यों आई? ऐसे आई हूँ, it's not a date, I mean, anyway, छोड़ो। पकड़ाई कहाँ है? तुम हमेशा ऐसी बात करते हो। मैं वैसी बात भी करता हूँ।